पिछले कुछ दिनों से तनाव और असमंजस की स्थितियों से जूझ रहे सीबीएसई के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सीबीएसई ने फैसला किया है कि वो 10वीं कक्षा की गणित की दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। हालांकि सीबीएसई की ओर से अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खबरों की माने तो सीबीएसई जल्द ही इसकी घोषणा कर देगा। आपको बता दें कि फिलहाल में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षा के गणित और इकोनॉमिक्स के पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद इन परीक्षाओं को दोबारा कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जांच पूरी होने तक लीक हुए पेपर की दोबारा परीक्षा होने पर रोक लगा दे। इन याचिकाओं पर 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इससे पहले बोर्ड ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो जुलाई में फिर से परीक्षा होगी और हरियाणा दिल्ली के छात्रों को इसके लिए बैठना होगा। इससे पहले सीबीएसई ने 30 मार्च को ऐलान किया था कि पूरे देश में 25 अप्रैल को 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स के लिए फिर से परीक्षा होगी।